गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों क्लास टेंथ में इससे पहले की क्लास में हमने आपको बजट क्या होता है इसके बारे में बताया था। बच्चों बजट के बाद आज मैं आय व्यय और बचत पर चर्चा करूंगी। बच्चों आप सबको पता ही होगा कि बजट क्या होता है। मैंने बताया था कि बजट आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आय व्यय और बचत। बच्चों आय क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि हमें श्रम के बदले जो पूंजी प्राप्त होती है उसे हम आय कहते हैं। व्यय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो धन खर्च करते हैं उसे हम व्यय कहते हैं। और बच्चों अब आता है बचत। बचत यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हम जो धन बचा लेते हैं उसे हम बचत कहते हैं। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि आय हमें किन किन माध्यम से प्राप्त होती है। बच्चों वेतन के रूप में, व्यवसाय के रूप में, ब्याज के रूप में, पशुपालन के रूप में या पेंशन इत्यादि के रूप में हमें आय प्राप्त होती है, जिनको हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं। अब व्यय के कितने प्रकार होते हैं? बच्चों जो हम पैसा खर्च करते हैं तो कुछ निश्चित व्यय जो हमें पता होता है, जैसे अगर हम किराए पर रह रहे हैं तो मकान का किराया कितना देना है, या हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें स्कूल के लिए कितनी फीस देना है, ये सारी जो चीजें हैं ये सारे खर्चे हमें पता होता है जिसे हम कहते हैं निश्चित व्यय। लेकिन बच्चों कुछ ऐसा खर्चा होता है जो हमें पता नहीं होता है, जो कम ज्यादा होता रहता है आवश्यकताओं के अनुसार। जैसे भोजन, कभी हम अच्छा भोजन कर लेते हैं, कभी हम सादा भोजन करते हैं, कभी हम बाहर जाकर भोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारी जो पूंजी खर्च होती है वो बदलती रहती है। इसी तरह से बच्चों वस्त्र पर, वस्त्र अगर हमने सस्ते वस्त्र ले लिए तो हमारा कम खर्चा होगा, अगर हमने बहुत महंगे कपड़े लिए हैं, बहुत महंगे सूट लिए हैं, पार्टी वेयर सूट ले लिया है तो उसमें हमें अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। बच्चों कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, तो ऐसे खर्च आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे अचानक से हमारे परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया परिवार के किसी सदस्यों का, तो उसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, हॉस्पिटल की फीस, खर्चा, रहना इत्यादि पे हमें बहुत सारे धन का व्यय करना होगा। तो ये सारी जो खर्चे हैं उसे हम आकस्मिक व्यय के अंतर्गत रखते हैं। बच्चों इसके अतिरिक्त हमें कुछ पैसे मनोरंजन के लिए भी खर्च करना पड़ता है। जैसे अगर हमारे घर में टीवी है या हम मोबाइल चला रहे हैं तो हमें नेट पर कुछ नेट पैक भरवाना है तो उसमें धन खर्च करना है। अगर हमारे यहाँ केबल टीवी चल रही है तो केबल वाले का किराया देना है, केबल का जो आता है लेने के लिए तो हमें वो देना है। इसके अतिरिक्त हमें टैक्सेस देने होते हैं मकान का, या हाउस टैक्स, वाटर टैक्स इत्यादि, बिजली का टैक्स, है ना। तो ये सारे जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं ये हैं व्यय के प्रकार। अब बच्चों बचत क्या होती है? बचत यानी इससे पहले हमने आपको बताया था परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कुछ धन जो हम बचा लेते हैं उसको हम अपनी बचत कहते हैं। बच्चों आदर्श बजट वही होता है जिसमें बचत का प्रावधान हो।
अब बचत कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। कुछ बचत जो हम अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं, अगर पॉकेट मनी मिली है घर से हमें 100 रुपया, तो हमने 80 रुपये अपनी आवश्यकताओं के लिए खर्च किया और 20 रुपया आगे के दिनों के लिए बचा लिया, तो ये हमारी ऐच्छिक बचत होती है। ठीक है बच्चों। और कुछ ऐसी बचत होती है जो अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, ये मुख्यतः सरकारी कर्मचारी करते हैं, जैसे FD के फॉर्म में GPF बनाना, PPF बना कर रखना, ये सारे जो बचत होती है वो सरकारी कर्मचारियों ही करते हैं। अब बचत का क्या महत्व है? बच्चों आप समझ गए कि बचत क्या होती है, अब इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व है, हमारे जीवन के लिए कितनी ये उपयोगी है। तो बच्चों बचत करने से हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हो सकती है, जैसे अगर हम हमारे माँ बाप ने पैसे हमारे लिए जमा किए हैं तो हमारे आगे की शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए जो मोटी मोटी रकम दी जाती है फीस के रूप में, बड़ी बड़ी धनराशि दी जाती है, तो उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए यदि हमने बचत कर रखा है तो हमारे पास धन पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त विवाह समारोह के लिए हमें कुछ बचत करनी पड़ती है, तो ये अगर हमारी बचत करने की आदत है तो अचानक से अगर हमें कहीं शादी ब्याह में जाना है, कुछ गिफ्ट लेके जाना है, तो हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ता, यानी हमारे पास कुछ पैसा होता है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी हम बचत करते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक कमरा है, छोटा सा आगे लॉन टाइप का है, तो उसको कमरा आगे बनवाना है, या परिवार के सदस्यों को लगता है कि ये हमारा मकान बहुत छोटा है, हमको फिर से इसको तुड़वा के और अच्छा भव्य रूप देना है, तो मकान का निर्माण करने के लिए या दान दक्षिणा करने के लिए भी हमें बचत करनी पड़ती है। फिर है बच्चों आश्रित का पर्व, यानी हम हमारे पर जो लोग आश्रित हैं, जिनको आप पेट हमें भरना है, तो उनके आगे के जीवन के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। जैसे कुछ हमने LIC वगैरह ले लिया अगर बच्चों के नाम से, उनकी पढ़ाई के नाम से, और अचानक से यदि परिवार के मुखिया की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो भयंकर रूप से बीमार पड़ जाता है, तो जो हमने बचत कर रखा है वही धन हमारे अन्य सदस्यों के भरण पोषण के लिए काम आता है। इसके अतिरिक्त बच्चों आकस्मिक आपत्तियों से निपटने के लिए भी हमारी बचत काम आती है, जैसे आज वैश्विक आपत्तियों का दौर है, वैश्विक आपदा आ गई है बच्चों, जहां पे सभी लोग घर में रह रहे हैं और ज्यादातर लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है, तो बच्चों ऐसे में हमारे द्वारा की गई बचत ही काम आ रही है। बच्चों इसके अतिरिक्त सामाजिक महत्व के लिए, जैसे अगर हमने थोड़ा थोड़ा धन जमा करके रखा है, तो हम अपने घर के लिए मनोरंजन की चीजें या अपनी सुख सुविधा की और अधिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जिससे व्यक्ति का विकास होता है। बच्चों अगर किसी व्यक्ति का विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, यदि परिवार का विकास हुआ तो हम समाज का विकास कर सकते हैं, और अगर समाज का विकास हुआ तो हम राष्ट्र का विकास भी कर सकते हैं, या हमारी भागीदारी राष्ट्र के विकास में भी हो सकती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा आज की आय क्या है, व्यय क्या है, या आय के कितने प्रकार हैं, या किन किन माध्यमों से हमें आय मिलती है, व्यय के क्या प्रकार हैं, और हम बचत करते हैं तो उसकी क्या उपयोगिता है, या हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। बच्चों जो हमने बचत करके रखा हुआ है तो वो पैसा हम कहाँ जमा कर सकते, तो ऐसा भी प्रावधान सरकार ने कर रखा हुआ है। बच्चों हम अपनी जमा धनराशि को या अपनी बचत को जहाँ जमा कर सकते हैं उनमें बैंक, डाकखाना, बीमा या प्रोविडेंट फंड्स के रूप में
हम अपनी बचत को सेफ रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी बचत का विनियोजन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बैंक में, डाकखाने में, बीमा तरह के, या फिर प्रोविडेंट फंड्स के रूप में हम अपने बचे हुए पैसे को या अपनी बचत को सेफ रख सकते हैं। बच्चों, अपनी जमा धनराशि को हम बैंक या डाकखाने में जिस रूप में रखते हैं उसमें चालू खाता और बचत खाता दो प्रकार का खोलते हैं। बच्चों, चालू खाते में जो जमा पैसा होता है उसको निकालने या रखने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं होते हैं, यानी उसको अगर हम जब चाहें ले निकाल सकते हैं और उसमें पैसा डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों, एक दूसरा खाता होता है जिसे हम बचत खाता कहते हैं, इसमें बच्चों निश्चित धनराशि हमें उसमें रखनी होती है और सरकार समय समय पर उस धनराशि पर हमें ब्याज देता है। तो एक तो हमने जो पैसा बचा के रखा है वो हमारा सेफ है, दूसरा बची हुई धनराशि को अगर हम अपने बचत खाते में डालते हैं तो उस पर भी हमको ब्याज मिलता है। इस प्रकार बच्चों, हमारे जीवन में बचत का महत्व होता है। बच्चों, आज के इस चैप्टर में जिसमें हमने डिस्कस किया कि आय क्या है, व्यय क्या है, बचत कैसे करनी चाहिए या बचत आगे चलकर हमारे किस रूप में काम आती है या अपनी जमा धनराशि को हम कहाँ सेव रख सकते हैं। बच्चों, आज के इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के विषय में, आगे इस चैप्टर के आगे के जानकारी हम अगले क्लास में करेंगे।